हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। राजस्थान के जयपुर में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाए। चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर हुए अजीब प्रदर्शन में गधों को गुलाब जामुन खाते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और वीडियो बनाने लगे। किसी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रदर्शन पर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के प्रदेश अध्यक्ष आंचल अवाना ने बताया कि राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए हैं। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की प्रदेश अध्यक्ष आंचल अवाना ने बताया कि राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और कैसे सरकार में भ्रष्टाचारी रिश्वत खाते हैं, गधों को ऐसे गुलाब जामुन खाता देख अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं रामनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय राज पुरोहित ने बताया कि हाल ही में कांग्रेस की शहरी सरकार की मुखिया यानी नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर के पति को एसीबी ने लाखों रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद मेयर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार कितनी भ्रष्ट है। ऐसे में आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, हर तरफ भ्रष्ट नेता और अधिकारी बैठे हैं। इससे त्रस्त जनता ने सड़कों पर उतरकर गधों को ही गुलाब जामुन खिलाना उचित समझा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब महज 3 से 4 महीने का समय बचा है और इसके लिए सभी दलों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान की जनता के लिए कई अहम मुद्दे हैं, जिन्हें पूरा करने वालों को ही जनता समर्थन देना चाहती है।